नमस्ते बालाजी, हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 10th से लेके 20th जनवरी तक की होगी। ये रीडिंग ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट करता है। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स क्या गाइडेंस आप लोगों को दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, देखते हैं वो क्या सोच रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ रिश्ते को और थोड़ा इंटीमेट बनाना चाहते हैं और एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा वो क्यों सोचते हैं देखते हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं। एक्वेरियस आपकी पर्सन ऐसा क्यों सोचता है या सोचती है कि रिश्ते को और गहराई तक ले जाया जाए। कार्ड आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, 10 of Wands का कार्ड, 3 of Cups का कार्ड। उनको ये लगता है कि रिश्ते की सारी बोझ जो है आप उठा रहे हो, आप इस रिश्ते से परेशान हो, इसीलिए आप को इस रिश्ते में थोड़ा वक्त देना चाहिए, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप रिश्ते से डर रहे हो, इस परेशानी, इस रिश्ते आपको परेशान कर रहा है, तो आपको अपना डर पर काम करना चाहिए। वो आपको प्यार देना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, रिश्ते में और एक कदम आगे जाना चाहता है, ताकि आपको ये ना लगे कि ये रिश्ता एक बोझ बन के रह गया है। क्योंकि अगर आप खुद पर काम करते हो तो रिश्ते को बहुत आगे ले जा सकते हो, और इस रिश्ते में जो कुछ भी परेशानी थी उस परेशानी को अगर आप धीरे धीरे कम करो, खुद पर काम करो, डर के आगे जीत है जो बोलते हैं, तो अगर जिस बात से आप परेशान हो उस परेशानी को आपको कम करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा, और फिर रिश्ते को एक बहुत ही अच्छी तरह से रिश्ते को निभाना पड़ेगा। जिस रिश्ते में आप दोनों खुश रहोगे, और भी लोग आ सकते हैं आपके साथ रिश्ते में, आप खुशी मनाओ, पार्टी शार्टी करो, ऐसा वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को बोझ ना समझे। रिश्ते को एक प्यार से निभाइए, रिश्ते को वक्त दीजिए, रिश्ते को हील कीजिए। जिस बात से अगर आप किसी बात से परेशान हो, दुखी हो, डरते हो, ये करने से ये होगा, अगर हम ये करते हैं तो इसका परिणाम ये होगा, तो ऐसा मत सोचिए। रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से सोचिए, निभाइए, और रिश्ते को बोझ समझ के ना निभाइए। रिश्ते को वक्त दीजिए, अपने अंदर एक पावर लाइए, ऐसा वो सोचते हैं। फिर देखते हैं आप क्या सोचते हो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप क्या सोचते हो इस रिश्ते को लेके, आपकी क्या सोच है उनके बारे में, आप क्या सोचते हो कुंभ राशि, आप क्या सोचते हो। आप सोचते हो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लगता है आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, आपकी रिश्ते की जो सच्चाई है, अच्छाई है, आपके रिश्ते की किस्मत घूमेगी। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, आपका सोच बहुत ही पॉजिटिव है। आपको लगता है एक्वेरियस कि आप लोगों का रिश्ता जो पहले जैसा था उससे बेहतर होगा, और रिश्ते की जो पहलू है, जो पहिया है, अभी आपकी तरफ घूमेगी। अगर पहले आप दोनों की रिश्ते में कोई परेशानी थी, अगर वो आपकी बात नहीं मानता था, या फिर किसी की बहकावे में आता था, या फिर रिश्ते में और कोई था, तो अभी जो वक्त है ये रिश्ता आपकी तरफ घूमेगा, ऐसा आपको लगता है। अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या आपने कुछ सोचा है इस रिश्ते को लेके, आपके मन में कोई कुछ आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। आपको ऐसा इसलिए लगता है
कार्ड आया है, नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपको इसलिए ऐसा इसलिए लगता है कि आप खुद पर बहुत अच्छा अच्छे से काम किया है और उन्होंने भी खुद पर बहुत अच्छे से काम किया है। जो पहले की जो परेशानी थी, आप दोनों में कोई अगर किसी को थोड़ा हर्ट करता था, नीचा दिखाते थे, तो अभी आप लोगों में वो बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द आपके पास एक प्यार का कप लेके आएगा, प्यार का प्रस्ताव लेके आएगा। और अभी जो हो, आप बहुत ही स्टेबल हो, आप खुश हो, आप अपने अंदर सारी अच्छाई को समझ रहे हो, वो भी अच्छे बन गए हैं, पहले जैसा नहीं है। पहले अगर आपको सताते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपको हमेशा बुरा भला बोलते थे, तो अभी वो ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि अभी वो बहुत ही स्टेबल हो गया है, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, सुंदर हो गया है, और आपको जैसा चाहिए था वैसा बंदा या बंदी वो बन गया है, और वो बहुत जल्द आपके पास एक प्यार भरा कप लेके आएगा, ये ऐसा आपको लगता है। इसीलिए आपने सोचा कि आपकी किस्मत की चक्का बहुत जल्द घूमेगी। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एक्वेरियस, आपकी रिश्ते की आउटकम क्या होगी। एक्वेरियस, आपकी रिश्ते की आउटकम क्या होगी। आउटकम में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आपकी रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होगी, आप दोनों ही एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम मानते हो। अब देखते हैं ऐसा सोचने के पीछे आप लोगों की क्या कारण है, और ये एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लियर करें, इसकी ये कार्ड क्यों आया है, तो देखते हैं क्या आता है। कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्योंकि पहले आपको लगता था कि वो दुखी है, परेशान है, दो दो रिश्ते में जगल कर रहा है, लेकिन अभी आपके पास क्लैरिटी है, आपको पता चल गया है कि वो आप ही से प्यार करता है। पहले आपको ऐसा लगता था, या उनको ऐसा लगता था, या आपको ऐसा लगता था कि वो किसी बात से दुखी है, परेशान है, आपकी बातों से दुखी है या परेशान है, या फिर उनके पास दो दो रिश्ता है, वो दो रिश्ते में जगल कर रहा है। लेकिन अभी आपके पास सच्चाई है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपके पास सच्चाई है, आपको पता है, आपके सामने सारी बात के सच्चाई आ गया है, इसीलिए आपको लगता है अभी वो उस रिश्ते से बाहर आ गया है, या फिर उनके पास और कोई रिश्ता है ही नहीं, आप ही हो, इसीलिए आपको लगता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, उनके साथ आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि अभी आप जान गए हो, आपको पहले ये लगता था कि वो दो दो रिश्ते में जगल कर रहे हैं, इसीलिए आप पहले दुखी थे, लेकिन अभी आपको आपके पास सारे बात की सच्चाई आ गया है, आपको सब कुछ पता है, इसलिए आपको लगता है आपकी रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी और आप एक दूसरे का सोलमेट हो। आपके रिश्ते में नई शुरुआत भी होगी, आप सोलमेट भी हो, और आप दूसरे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ऐसा आपको अभी लगता है, क्योंकि आपके पास सारे बात की सच्चाई है। फिर देखते हैं इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, एक्यूरियस की रिश्ते की गाइडेंस देखते हैं, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या आता है। गाइडेंस में आया है टू ऑफ वांड्स का कार्ड। अगर हम टू ऑफ वांड्स का कार्ड की क्लैरिटी करें, देखें टू ऑफ वांड्स क्यों आया है, डिसीजन लेने की कार्ड है, क्यों यूनिवर्स बोल रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, उनके पास ऑप्शन है, तो अगर वो डिसीजन लेंगे, सोच समझ के लेंगे, तो ये कार्ड क्यों आया है। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स द लवर्स का कार्ड, पहले ही कार्ड आया था डिसीजन लेने की, और इसको क्लैरिटी करने के लिए क्यों ये कार्ड आया, तो मैंने कार्ड उठाया तो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, फाइव ऑफ कॉइंस का कार्ड, द लवर्स का कार्ड।
इसीलिए ये कार्ड आया है कि अभी जो हो एक्वेरियस, आप जो हो आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में हो, आप स्टेबल हो, आप जिस रिश्ते में जिस चीज़ में आपकी परेशानी थी आप उस रिश्ते से आप बाहर हो गए हो, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो उस रिश्ते से बाहर आ गया है। फिलहाल उनके पहले उनके पास ऑप्शन था, लेकिन अभी वो जो करेंगे सोच समझ के करेंगे और अभी वो एक तगड़ा डिसीजन लेंगे और मुझे लगता है आपके पास लौट के आएंगे। अगर आपसे वो दूर रहता था, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था, या फिर आपको नीचा दिखा रहा था, अपमानित करता था, तो अभी आपकी जो पावर है, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, वो उनको अच्छा लगता है और उनको पता चल गया है कि आप एक अच्छे सच्चे और स्टेबल बंदा या बंदी हो, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं और वो सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको डिसीजन लेना भी चाहिए, अभी जो डिसीजन लेंगे वो सॉलिड होगा और वो फिलहाल पहले की जो जितनी भी बुराई थी वो सारे ख़त्म करके अभी यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप लोग एक डिसीजन लीजिए और ये डिसीजन जो होगी इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स होगी। अगर आपका पुराना कोई आपके साथ रिश्ते में है एक्वेरियस, जो ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ आपकी पुरानी कोई रिश्ता था, हो सकता है उनके साथ भी आपका रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। उनको अभी समझ आ गया है, पता चल गया है, वो पुराने जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते से दुखी होकर निकल रहे हैं, निकल गए हैं। उनको लगता है कि अभी आपके साथ जो रिश्ता होगा वही अच्छा होगा, आप ही उनके सोलमेट हो, इस बात की सच्चाई उनको पता चल गया है। अगर उनके लाइफ में कोई था पहले जिसके कारण आप लोगों की रिश्ते में परेशानी थी, तो आप अभी खुश हो जाइए, वो उस रिश्ते से निकल रहा है, या फिर वो जो आप लोगों के साथ आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई थर्ड पर्सन था तो वो इस रिश्ते से निकल रहा है, थर्ड पार्टी निकल रहा है, और आप दोनों अभी इस रिश्ते में अच्छी तरह से आ रहे हो, वो आपके पास आ रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके हित में ही डिसीजन लेगा। उनको लगता है क्योंकि पहले ही आया था नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, फिर आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड, वो अभी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ते को एक नई लेवल में ले जाना चाहते हैं, वो आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। फिलहाल वो आपके प्रति बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहा है, इसलिए वो अभी सोच रहा है और सोच समझ के वो एक सही डिसीजन लेने की कोशिश भी कर रहा है, ऐसा हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, तो आप लोग जो कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की रिश्ते में एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप दुखी होकर इस रिश्ते से पहले निकल गए थे तो आपको भी इस रिश्ते के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल आप स्टेबल हो, आप या वो दोनों ही एनर्जी में जाइए, आप जेंडर में या फिर मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, अगर ये आपसे मैच करता है तो आप खुद से सोचिए। अगर आप खुद अभी स्टेबल बन गए हो तो उनको देख के ऐसा लगता है कि इनके साथ फिर से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है, जो पुराना गिला शिकवा था, अगर वो निकल गए थे तो वो आना चाहते हैं, अगर आप निकल गए थे तो आप फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हो, ऐसा गाइडेंस ऐसा बोला जा रहा है आप लोगों को। तो आप लोग अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, सोच समझ के फिर से रिश्ते को शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉच।